बेरोजगारी भत्ता सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से चर्चा कर राशि आवंटित की। इस अवसर पर दुर्ग कलेक्टर, महापौर, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सहित अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेरोजगारी भत्ते सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर हितग्राहियों से चर्चा कर राशि आवंटित किया, जिसमें प्रदेश से 1,05,395 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा युवाओं के खाते में 32,35,25,000 रुपये की राशि का ऑनलाइन के माध्यम से वितरण किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों से चर्चा की। इस अवसर पर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष आरएन वर्मा, सीईओ अश्विनी देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के अलावा हितग्राही मौजूद रहे। इस मौके पर नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस निर्णय से बेरोजगार युवाओं को लाभ मिला है, जिससे बच्चों के प्रति माता पिता की ये चिंता मुख्यमंत्री ने दूर कर दिया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में महापौर बाकलीवाल ने दुर्ग निगम के 1,363 समस्त बेरोजगारी भत्ते के पात्र हितग्राहियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की करोड़ों जनता के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी बेहतरी के लिए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री ने ये बड़ा तोहफा दिया है। पहले मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर्वहारा वर्ग के विकास के बारे में अगर कोई सोचता है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे युवा बेरोजगार हो, चाहे हमारी स्व सहायता समूह की बहनें हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमारे मजदूर साथी हो। और उसी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1,06,000 युवाओं को 32,55,00,000 की राशि आज हस्तांतरित की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली सरकार के द्वारा लगभग 13 साल में मात्र 98 करोड़ की राशि युवाओं के खातों में गई थी, जबकि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने में ही लगभग 100 करोड़ की राशि, अभी 2 महीने में ही लगभग 50 लाख के आसपास पहुंच गई, 3 महीने में 4 महीने में ही 100 करोड़ के आसपास की राशि, जो काम 13 साल में नहीं हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 महीने में किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज युवाओं के चेहरों में जो खुशी देखने को मिल रही थी, आगे की पढ़ाई के लिए उनको जो बैकअप मिल रहा था, किसी को आगे MSc करना है, किसी को किसी टेक्नीशियन फील्ड में जाना है, और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा आज खुश नज़र आ रहे थे। बेरोजगारी भत्ता मात्र देना उद्देश्य नहीं है, उनको सक्षम बनाना है। अभी ट्रेनिंग कैंप भी चालू हो रहा है, बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो अपने आगे रोजगार के लिए जो फायदेमंद हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और युवाओं को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। बात है, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये यथार्थ है। जो उनने कहा वो करके दिखाया और दिखा रहा है। उसी कड़ी में आज बेरोजगारी भत्ता जो देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, हमारे प्रदेश के युवाओं को संबल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए जो उनने कहा था, उसको आज द्वितीय किस्त के रूप में हमारे युवाओं को राशि का वितरण किया गया। आज पूरे प्रदेश में 1,05,000 युवाओं को करीब 32,35,25,000 रुपये आज वितरित किया गया और तत्काल बच्चों के खाते में, युवाओं के खाते में ये राशि पहुंच गया, और जिसके खाते में नहीं पहुंच पाए वो कल तक पूरा राशि पहुंच पाएगा। ये द्वितीय किस्त है। पहले किस्त में 70,000 युवाओं को 2,500 रुपये के मान से बेरोजगारी भत्ता दिया गया था, वो सभी को मिल गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के हर जिला से आए हुए युवाओं से, युवतियों से बात की, बेहद प्रसन्न
हुए लगे और ये बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लागू किया है उससे वे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो योजना है न केवल युवाओं को आर्थिक दृष्टि से संबल बनाने का है, बल्कि इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है वो ये है कि कौशल विकास करके ये बच्चे न केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करें बल्कि उनको अनेक संस्थाओं के माध्यम से, अनेक विभागों के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षित होकर के वो स्वयं अपना रोजगार करें। ऐसे बच्चों ने आज अपने भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रकट किए। आज दुर्ग शहर में करीब 1363 हितग्राहियों को 7,500 रुपया उनके खाते में डाला गया और ये जो योजना है उससे हमारे शहर के बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। और इस प्रकार से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो प्रदेश के। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।